आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ये वाला वीडियो किट्टी के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग है। किट्टी का फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है वैष्णो देवी में। तो 19 सितंबर को ट्रेन लेकर हम चल पड़े वैष्णो देवी। ट्रेन में हमने काफ़ी सारी मस्ती की, एक्साइटमेंट में बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। हमने लेट नाइट लगाई मेहंदी और बहुत सारी बातें की, चिट चैट करते हुए, मस्ती करते हुए हम पहुंच गए अगले दिन सुबह सवेरे एकदम सनी ब्राइट डे में वैष्णो देवी। ट्रेन की थकान से किट्टू को देखो कैसे भुने हुए पकोड़े की जैसी लग रही है, फिर भी उसे बहुत एक्साइटमेंट थी, मस्ती कर रही थी, उसे घूमना बहुत पसंद है। हम कटरा पहुँच कर वहाँ से फिर हमने टैक्सी ली और टैक्सी से हम मस्ती करते हुए पहुँच गए बाणगंगा। बाणगंगा में जाकर सबने सबसे पहले वहाँ पे अच्छे से नहाने की तैयारी कर ली, किट्टी को भी हमने रेडी कर दिया और सीधा जंप कर गए ठंडे ठंडे पानी में। सब लोगों को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, लेकिन किट्टू को इतना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे बस पानी में ही रहना है पूरे टाइम। उसे बहुत मस्ती की, किट्टू को पानी में बहुत मज़ा आया। हमें डर लग रहा था कहीं इतने ठंडे पानी से उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, लेकिन किट्टू को इतना मज़ा आ रहा था वो बाहर ही नहीं निकलना चाह रही थी। पूरे टाइम उसने पानी में बहुत मस्ती की थी और किट्टी की स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान उसने एक दो बार पानी भी पी लिया था, बट वहाँ का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था, बहुत मज़ा आ रहा था उसमें नहाने में। फिर पहले किट्टू को नहलाकर और उसे रेडी करके फिर हम सब ने भी बहुत मस्ती की। दिखने में क्राउड की वजह से स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है, लेकिन वो स्विमिंग पूल नहीं, वो बाणगंगा है। वहाँ का पानी इतना अच्छा है, इतना क्रिस्टल क्लियर है, बहुत मज़ा आ जाता है। और फिर नहा धोकर एकदम फ्रेश रेडी होकर हमने शुरुआत की अपनी यात्रा की। सबने अपने अपने डंडे और अपने अपने औजार तैयार कर लिए और फिर हम चल पड़े अपने सफ़र पे। वैसे पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन सबके साथ चलते चलते रास्ते में बहुत मज़ा भी आया। फिर थोड़ी दूर जाते ही हमने लिया एक क्विक सा टी ब्रेक, वहाँ पे किट्टू को थोड़ा सा स्नैकिंग कराई, सबने थोड़ी थोड़ी स्नैकिंग की और फिर हम आगे की तरफ चल पड़े किट्टू को अपने कैरी कॉट में कैरी करके। और रास्ता इतना सुहाना था ना, इतने मेस्मराइजिंग व्यूज़ देखने को मिल रहे थे वहाँ पे, एकदम ना ठंडी थी ना गर्मी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और किट्टू सेंटर में थी, सबका फोकस सिर्फ उसके ऊपर था। कभी वो मस्ती करती थी, कभी कुछ उसे खाना है, कभी किसी और के पास जाना है। बीच बीच में हम बैठ रहे थे, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी रेस्ट करते करते एक्चुअली गए थे, क्योंकि वैसे बहुत थक जाते, तो इसलिए हम बीच बीच में रेस्ट ले रहे थे ताकि सब लोग बहुत एग्जॉस्ट ना हो जाए। जय माता की, आजो आजो किट्टी, 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 आजो आजो। बीच में हमने कभी कॉफी ब्रेक ली, वहाँ पे कॉफी बहुत ही अच्छी मिल रही थी, कभी कॉफ़ी ब्रेक ले रहे थे, कभी कुछ कुछ स्नैकिंग करते हुए ही जा रहे थे। और सबके साथ किट्टू को भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी थी। किट्टी हेलो, हेलो किट्टी। और ये वाली वीडियो हमने इसलिए बनाई है ताकि जब किट्टू बड़े होके देखेगी तो उसे याद रहेगा कि उसका बचपन कैसा था, या फिर उसका फर्स्ट बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया था। किट्टू की मस्ती के साथ साथ वहाँ का व्यू हमें बहुत पसंद आ रहा था, एकदम बहुत ही, ना ठंडी बहुत ज़्यादा थी ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एकदम परफेक्ट वेदर था वहाँ का, बहुत ही मज़ा आ रहा था व्यू देखते देखते जाने में। अकेले श्रद्धालु और ये सबसे एनर्जेटिक श्रद्धालु ले रही। किट्टू सबको बैठने से खड़ा कर दे दादा। किट्टू किट्टी
इसको नहीं बैठना, बस सबको बैठना, इसको नहीं बैठना। वो अपने आप ही मस्ती करते हुए और कभी इसकी गोदी कभी उसकी गोदी इधर उधर शिफ्ट होते होते चलती रहती थी। और उसके बाद जब हम भवन के पास पहुंच गए और हमने भवन को देखा, वो इतना सुंदर लग रहा था, वहां पे जाके हमें लगा कि इतनी लंबी जो जर्नी करके हम आए हैं वो एकदम वर्थ है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, सबने एक दूसरे को हौसला दिया कि चलो फाइनली यहां तक पहुंच गए हैं। दिखाओ किटी, किटी हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच चुके हैं, ये देखो भवन भी पहुंच चुके हैं, दर्शन करना बाकी है। किटी आई है पैदल पैदल, और ये देखो हम्पी बैग उठा के। हम्पी और किटी पहुंच चुके हैं, अब वो जा रही है हमारी बाकी की टीम। उसके आगे फिर हम गए दुर्गा भवन में। दुर्गा भवन एक स्टे है जो ट्रस्ट वालों ने ही बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे बेड गद्दे अवेलेबल होते हैं, तो आप फटाफट से बस जाना पड़ता है, फटाफट से अपनी जगह ले लो और वहाँ पे आप चाहे तो रात को आप पूरी रात भी रुक सकते हो, क्योंकि वो रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक ही ओपन रहता है, दिन में बंद रहता है। सबने पहले रेस्ट किया, उसके बाद सबको जगाए रखना पड़ा हमें, क्योंकि हमें 12 o'clock किटू का केक कट करना था। मीनवाइल किटू ने भी मस्ती की और उसे भी हमने जगाए रखा, बुआ साके सब लोग जगे रहे। और फिर 12 बजे फाइनली वो टाइम आ गया जब किट्टू का बर्थडे 21 सितंबर स्टार्ट हो चुका था। बीच में सबको थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी, लेकिन हमने ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ बातें करके जगाए रखा था। मम्मी का कॉल आ रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, किट्टी का बर्थडे हो। अब खाएगा ना किट्टी, खाएगी खाए तो अब किट्टी खाएगी मुझसे, खाओ किट्टी। Hey, clapping. खिलावे तो दो। पापा को खिला दो। हाँ हाँ हाँ। Hey. पापा को खिला दो। अब नींद आ रही इसको। पापा को खिला दो। पापा को खिला दो। मम्मा को, मम्मा को, मम्मा को, मम्मा को। और सुबह फिर हम नेक्स्ट डे फ्रेश होकर एकदम उठे थे दर्शन करने के लिए। और सुबह का व्यू भी पूरे सारे व्यूज की तरह बहुत ही सुंदर था। सुबह 8 बजे ऐसा लग रहा था कि दोपहर हो रही है, इतना ब्राइट हो चुका था सब कुछ। और भवन के दर्शन करने के लिए फिर हम फटाफट से सब रेडी हुए। किट्टू सबसे पहले रेडी हो गई थी, दोबारा से बनी बन गई थी, और फिर से धीरे धीरे रेडी होकर सब लोग भवन की तरफ दर्शन करने के लिए चल पड़े थे। चल अभी बैग पे जगह कम कम कम। ये देखो गाइस, रेडी हो गए हैं भवन पे जाने के लिए, नहा लोगे। 13 डिग्री टेम्परेचर में ठंडे ठंडे पानी से किट्टी नहा चुकी है। और किट्टी की टेल कहाँ है? किट्टी की ड्रेस की टेल, किट्टी की टेल देखो। किट्टी बनी बनी अपने बर्थडे में, किट्टी ये अपने बर्थडे में बनी 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 बनी। किट्टी को आ रही है नीनी बहुत जोर की। फिर हम दर्शन करके आए और फिर सबने थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, किट्टू को हलवा खिलाया। किट्टू सो गई थी नहाने के बाद, दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के लिए, तो किट्टू को हलवा खिलाया, सबने ब्रेकफास्ट किया। और फिर हम अपनी अपनी शक्लें अच्छी बनाकर फ़ोटो क्लिक करवाने चले गए, क्योंकि यादें तो रहनी चाहिए ना, तो इसलिए हमने वहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराई। किट्टू ने भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई अपना कूल सा चश्मा पहनकर दादू के साथ, फैमिली फ़ोटो सब कुछ बहुत अच्छा रहा वहाँ पर। और फिर भैरव के दर्शन के लिए हमने इस पर सेलेक्ट किया था रोप वे, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग सा लग रहा था देखकर, तो हमने सोचा क्यों नहीं रोप वे से जाया जाए। तो हमने रोप वे की टिकट ली और फिर हम चल पड़े रोप वे से भैरव की तरफ। और काफ़ी अच्छा था वो भी, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे था और बहुत ही मज़ा आया उस पर। एक्चुअली टाइम भी सेव हो गया, एनर्जी भी सेव हो गई, जिसकी वजह से हमें आगे हेल्प मिली थी, क्योंकि अदरवाइज़ भैरव की चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, तो वहाँ पे काफ़ी थक जाते हैं लोग। तो भैरव पे चढ़ के वहाँ पे किट्टू ने मंकीज़ देखे बहुत सारे, तो उसे अपने जैसे लग रहे थे सारे, बहुत सारे मंकीज़ थे वहाँ पे, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। भैरव के दर्शन करके वापस से रोप वे लेकर हम नीचे की तरफ आ गए
और जैसा कि आप किट्टू को देख पा रहे हो, जैसे उसने उसकी हालत हो गई थी, बनी का गेटअप चेंज करके अपने नॉर्मल ड्रेस में आ चुकी थी वो, क्योंकि ऊपर काफ़ी गर्मी थी। और उसके बाद वापस से हमने नीचे उतरने वाली जर्नी शुरू कर दी। फिर किट्टू ने हम्पी के साथ थोड़े से मज़े किए, आदि और हम्पी के साथ। और मस्ती करते करते किट्टू सो गई। फिर हम धीरे धीरे हमने अपनी वापस से जर्नी शुरू कर दी थी, उतरते गए। उतरते टाइम भी हमें थोड़े बहुत ब्रेक तो लेने ही पड़ रहे थे, तो काफ़ी थोड़े बहुत ब्रेक लेकर फिर से अच्छे नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए अर्धकुंवारी। जाते टाइम हम अर्धकुंवारी नहीं गए थे, हमने आते टाइम अर्धकुंवारी गए थे, तो वहाँ पर रुके थे। काफ़ी भीड़ थी, हमने वहाँ बैठकर पहले पर्ची कटाई, फिर अपने नंबर का वेट किया। वहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम लगता है दर्शन के लिए, तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था। वहाँ पे भी एक स्टे है जो ट्रस्ट की साइड से ही होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वहाँ पे वो भी नाइट में 8 बजे ओपन होता है। उसके लिए वेट किया, क्लॉक रूम में अपना सामान वगैरह रखे। ये मीन वाइल वेट करते करते हमें बहुत ही अच्छी सी बकरी मिली। वहाँ पे बहुत सारे मंकीज और बकरी थी, बकरी ने हमारे सारे बिंगो खा लिए। धीरे धीरे जो डे वाला ब्यूटीफुल व्यू था वो नाइट में चेंज हो गया, लाइटिंग्स हो गई और भी खूबसूरत लगने लगा। और हमारा जो नंबर था वो जाकर रात को 1 बजे आया था, लेकिन स्टिल हम दर्शन के लिए एकदम रेडी थे गुफा में जाने के लिए। और क्योंकि किट्टू का फर्स्ट टाइम था, तो हमें थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही थी कि वो कैसे जाएगी, डरेगी तो नहीं, लेकिन किट्टू ने बहुत अच्छा कॉपरेट किया था। किट्टू थोड़ी देर रेस्ट करके सो गई थी और गुफा में जाने से तुरंत पहले उठ गई। और अंदर हमें उसे कैसे ले जाना पड़ा, पहले मैं गई, फिर पीछे से किट्टू अपने डैडा के साथ आती गई, हम एक दूसरे को देते गए और फिर गुफा में से निकल गए। उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। और अगली सुबह देखो, इतनी खूबसूरत सुबह है, रेनबो टाइप ऐसे सनराइज़ इतना अच्छा हो रहा है ना वहाँ पे, खूबसूरत सा, बहुत ही मज़ा आया। फिर हम अर्धकुंवारी से नीचे की तरफ आए, वहाँ भी रास्ते में बहुत सारी बकरियाँ थी, वहाँ पे व्यू के साथ साथ काफ़ी सारे जानवर भी मिल रहे थे फ्रेंडली देखने। हेलो गाइस, देखो बकरियां बैठी हैं और हम सीढ़ियों का रास्ता लेके नीचे उतर रहे हैं। वैसे तो सीढ़ियां बहुत मुश्किल है, लेकिन उतरने में थोड़ी इजी हो जाती है, चढ़ने में ज्यादा मुश्किल होती है। और इस बार हमने किट्टी को छोड़ दी है दादू के पास दूसरे रास्ते पे। चलो चलो चलो। फिर हमने एक जगह रुक के गोलगप्पे खाए थे, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली भी थी। किट्टू गोदी में रह रहे के बहुत ही थक गई थी, इसलिए उसे मन कर रहा था कि उसे नीचे चलना है, तो दादू और आदि कभी मामी के साथ वो नीचे चलने की ट्राई कर रही थी, और उसे नीचे चलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एक्चुअली वो अपने वॉकर को शायद मिस कर रही थी, बहुत टाइम हो गया, 2-3 दिन हो गए उसने अपना वॉकर नहीं चलाया, तो उसे नीचे चलना था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था नीचे चलने में। और जैसा कि गिट्टू का गेटअप देख के ही लग रहा है कि काफ़ी हालत जो है खस्ता हो चुकी है सबकी, उतरते उतरते उसका गेटअप, उसके पहले बनी वाला ड्रेस गायब हुआ, फिर उसका पजामा गायब हुआ, अब वो जस्ट टी शर्ट में घूम रही है थोड़ी दूर के लिए वहाँ। चाय वगैरह पी के, किट्टू वैसे अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं खाती है, लेकिन मैगी उसने सुट्टे सुट्टे से खा ली थी, उसे नूडल्स सुट्टे सुट्टे से खींचना बहुत पसंद है। और फिर से हम आ गए उसी फ्रेश बाणगंगा के पानी में नहाने के लिए, क्योंकि उसमें नहाने के बाद थकान बहुत ही दूर हो जाती है। और फिर से किट्टू को बहुत मज़ा आया था, उसे फिर से ऐसा लग रहा था कि बस इस पानी में उसे छोड़ दो और वो पूरे दिन वहाँ नहा सकती है। सबको ठंड लग रही थी लेकिन उसे कोई ठंड नहीं लग रही थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था उस पानी में नहाने में। पानी भी बहुत ही अच्छा था बट बहुत ठंडा था, तो हमें थोड़ा डर लगता रहता है कि तबीयत ख़राब ना हो जाए, फीवर या कोल्ड ना हो जाए, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है कुछ भी हो, उसे सिर्फ उसमें नहाना है। उसे बहुत मज़ा आता है पानी में छप छप करने में। उसे खुद ही पानी में जाने में बहुत मज़ा आ रहा था बार बार, हम जब निकाल रहे थे तो भी वो ज़िद्द कर रही थी कि मुझे बार बार जाना है, इशारे कर करके अपनी भाषा में।
बाद हमने थोड़ी सी मार्केटिंग करी, वहाँ पे कुछ कुछ शॉपिंग की, जहाँ से किट्टू ने अपने लिए डॉल परचेज की, अपने लिए मंकी परचेज किया, और फिर हमने सबके लिए प्रसाद खरीदा, क्योंकि हमारी इवनिंग की ट्रेन थी तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया था, हम काफ़ी पहले स्टेशन पहुँच गए थे इसलिए हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया था। बाय एवरीवन, तो यहाँ पे किट्टी का बर्थडे वैष्णो देवी ट्रिप खत्म होता है, हम सबको बहुत मजा आया, बाय बाय, अब हम घर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिप पे फिर मिलेंगे, बाय बाय।